आर्टिफिशियल किडनी जो रॉय है उनकी रियल किडनी की तरह वर्क करने वाली है, नॉर्मल किडनी साफ करती है उसी तरह वो साफ करेगी। सारी किडनी पेशेंट को उम्मीद लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश यादव है, मैं अपने किडनी फेलियर जर्नी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे मेरी डायलिसिस बंद हुई और कैसे मेरी किडनियाँ रिकवर होना शुरू हुई। मेरी किडनियाँ पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हैं, पर हाँ डायलिसिस मेरी 3 साल से बंद है और मैं कुछ किसी डाइट पर नहीं हूँ। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डायलिसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं या किडनी पेशेंट हैं तो आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बस ये चाहता हूँ कि सभी किडनी फेलियर पेशेंट सही हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ वो उनको क्या पेन सहना पड़ता है जब वो डायलिसिस पे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर किसी वजह से, मतलब पहले चाहता हूँ कि सभी किडनी फेलियर एकदम सही हो जाएं, बट अगर वो एकदम सही नहीं होते तो कम से कम उनकी डायलिसिस बंद हो जाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराना एक बहुत ही ज़्यादा, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, कि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंसिव के साथ साथ एक थोड़ा सा रिस्क लेने वाली चीज़ होती है, क्योंकि आपको एक्सपेंसिव होगी क्योंकि ट्रांसप्लांट में आपको पैसा लगेगा, उसके साथ साथ आपको पैसा लगना पड़ेगा आपको हर, जब तक आपकी किडनी रहेगी तब तक आपको उसके ऊपर दवाइयाँ इम्यूनो सप्रेशन लेने पड़ेंगे, एक ये बात होगी। उसके बाद में इसके रिजेक्शन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। मेरे यहाँ भी कई सारे लोग हैं जिनकी 2 या 3 साल में रिजेक्ट हो जाती है और उनको फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जो मेरे को किडनी दे सकता है। तो मैं इस पर कोई कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को की जान नहीं खतरे में डालना चाहता हूँ और ना ही मैं उनके कोई पेन देना चाहता हूँ इससे ज़्यादा, वैसे भी इतना पेन वो झेल रहे हैं, और ना ही मैं कोई रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैंने ट्रांसप्लांट करा ली तो मेरा ये जो आयुर्वेदिक दवा चला है जिसके से मेरी डायलिसिस बंद है वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिनों तक आपकी किडनियों पर कोई 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 मेडिसिन नहीं वर्क करेगी जिसके से वो रिकवर हो। तो अल्टीमेटली वो शायद हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे बताया है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया और फिर आयुर्वेदिक दवा कराई तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। बाकी जो होना है वो होगा ही, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी तो फिर कराना पड़ सकता है, और मैं तो कोशिश करूँगा कि ना कराऊँ, क्योंकि मैं नहीं किसी को ट्रबल करना चाहता हूँ। जो ठीक है, ये सब बात होगी। बाकी मैं अपने हेल्थ के बारे में बात करूँ तो हेल्थ मेरी बहुत अच्छी है, और अभी जब दवाइयाँ लेनी होगी तो मैं रिपोर्ट्स कराऊँगा और आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले कई सारे क्या कहते हैं कई सारे लोग मतलब कई सारे लोग यहाँ पर नहीं, बट एक जो किडनी फेलियर पेशेंट है वो लोग, कई लोग होप करते हैं, एक है आर्टिफिशियल किडनी जो बन रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, कोई डॉक्टर सुवो रॉय हैं उनकी और उनकी टीम मिलकर बना रही है आर्टिफिशियल किडनी जो एक रियल किडनी की तरह वर्क करने वाली है, और वो सारे फंक्शन जो रियल किडनी के होते हैं वो करेगी, और आपकी जो यूरिन क्या को यूरिन बनाएगी, आपके सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होंगे उनको जैसे आपकी नॉर्मल किडनी साफ करती उसी तरह वो साफ करेगी, तो वो बना रहे हैं। पर कई सारे लोग इस पे इसको उम्मीद लेके रखेंगे पेशेंट का, ऐसा इस बहुत सारी किडनी पेशेंट इसको उम्मीद लगा के रखेंगे कि नहीं हो सकता है कि क्या कहते हैं आपको ये किडनी मिल जाए और इससे सही हो जाए ये लगने के बाद। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांस बहुत ज़्यादा कम है फिलहाल के लिए, फिलहाल के मेरे हिसाब से अगर मेरी ही माने तो कम से कम 50 सालों तक के लिए या फिर 10-20 सालों के लिए तो एकदम क्या कहते हैं ये बेसलेस बात है, क्योंकि इसकी जो रिसर्च है वो कई सालों से 10-20 सालों से चल रही है, और ये अब जाके इनका एक प्रोटोटाइप बना के आए हैं। प्रोटोटाइप मतलब एक रेप्लिका बनाए हुए हैं, इसके ऊपर ज़्यादा कोई काम नहीं चल रहा है, मतलब काम चल रहा है पर इनको चाहिए फंडिंग, क्योंकि कोई भी काम फ्री नहीं होना चाहता और फंडिंग इनको मिल नहीं रही है। दूसरी बात जो ये बना रहे हैं तो इसकी वजह से ना जाने कितने डायलिसिस जो मशीनें हैं तो और जो भी डायलिसिस इंडस्ट्री है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, या किडनी ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री है जो इम्यूनोसप्रेशन इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री जो किडनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रांसप्लांट करते हैं डायलिसिस करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसकी वजह से ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो इसके ऊपर कोई रिसर्च हो या ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आए, तो इसकी वजह से एक ये होता है जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, और दूसरा फंडिंग नहीं मिल रही है, और बिना फंडिंग के कोई साइंटिस्ट अपना पैसा लगा के तो बनाएगा नहीं। तो मैं यही बस बताना चाहता हूँ कि कोई किसी आप लोग अगर उम्मीद रखे हों कि आर्टिफिशियल किडनी आपके आपके लिए आ जाए तो बहुत अच्छी बात है,
बट अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम वही उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं और आप डायलिसिस कराते जा रहे हैं, अपनी हेल्थ और बेकार करते जा रहे हैं, अपनी किडनीज को और डैमेज करते जा रहे हैं, या फिर आप उम्मीद में किसी तरीके से रखे हैं, कोई वजह से रखे हैं, तो प्लीज़ आप उसके ऊपर उम्मीद ना रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आ भी सकती है, हो सकता है अगर आपको एक अचानक से किसी गवर्नमेंट फंडिंग आ जाए या बहुत सारे लोग फंडिंग करने लगें तो हो सकता है, या फिर बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी आना कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट उसकी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये क्या कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी या फिर बायो आर्टिफिशियल किडनी जिसे कहा जाता है, वो अगर आएगा आप इस उम्मीद में बैठे हैं, तो ये बहुत ही एक बेसलेस बात है और एक बिना किसी कोई ऐसी क्योंकि प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, तो आपको इस पे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, आपके लिए बेस्ट जो हो सकता है वो करना चाहिए, आ जाए बहुत अच्छी बात है। तो यही सब बताने के लिए मैं मतलब बताना चाहता था, तो बस इसीलिए मैं वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं भी पहले शुरू शुरू में आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करता था, तो हो सकता है कई सारे लोग आर्टिफिशियल किडनी के बारे में सर्च करते हों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसके बारे में ज़्यादा सर्च मत कीजिए, अगर आएगा कुछ तो मैं आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ ज़्यादा इसके बारे में सर्च मत कीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और जो बेस्ट हो सकता है वो कीजिए, बस यही बताना था। तक के लिए नमस्कार।